मुअज्जज़ अदालतों से मुसलसल रुसवाई समेटने वाले महमूद अख्तर नकवी ने जहां आम और सफेद पोश तबके की आंखों में धूल झोंकी, वहां गरीबों के घरों को तरक्याती कामों के नाम पर मिसमार करके उम्र भर की बददुआएं भी समेटी। महमूद अख्तर नकवी एक तरफ तो अपने आला इदारों और मारूफ शख्सियात के साथ ताल्लुकात के दावों की आग में दूसरों को मरूब करता है, तो दूसरी जानिब अपने मफादात निकलवाने के मामले में भी ताक है। कहीं मजहब का कार्ड इस्तेमाल करता है और कहीं खुदाई खिदमतकार होने का चोला पहनकर मतलब निकालता है। इसकी नौसरबाजियों की कहानियां जमीनों पर कब्जों से शुरू होकर अपने पूरे खानदान के नाम पर जायदादें बनाने तक जबान ज़दे आम हैं। ठाट बाट सब जानते हैं, नहीं जानते तो वो मनी ट्रेल नहीं जानते जिसके फैज से ये सब बन रहा है। मौसूफ का कोई बाकायदा जरिया मौश है ना कोई लंबी चौड़ी खानदानी जायदाद, इसके बावजूद उनका रहन सहन ऐसे है जैसे खानदानी रईस हों। इस नौसरबाज की लूटमार का शिकार बनने वालों ने जहाँ मुख्तलिफ इदारों में इंसाफ के लिए दरखास्तें दे रखी हैं, वहीं ये तकाजा भी बड़ी शद्दोमद से किया जा रहा है कि आम से मिडिल क्लास ये महमूद नकवी के पास अचानक इतनी दौलत कहां से आई। लोगों का तकाजा है नाम निहाद खुदाई खिदमतगार महमूद अख्तर मनी ट्रेल थे और बताएं कि इनके अलावा इनकी जौजा मोहतरमा और साहिबजादे के नाम इतनी जायदादें कैसे निकलती आ रही है, वो कौन सी लॉटरी है जो बार बार लगती है, और रातों रात मौसूफ के पास बड़े बड़े घरों नई और कीमती गाड़ियों का इजाफा होता जाता है, और कभी अचानक मालूम पड़ता है कि साहिबजादे के नाम एक और नया घर बन गया। रही बात बेगम साहिबा की तो उनके असासे तो यूं फैल रहे हैं जैसे वबा के दिनों में खौफ फैलता है। आखिर वो कौन सा गुर है जो डबल शाह के पास भी नहीं था, उसे तो 2 + 2 = 4 ही करना आता था, जबकि यहाँ तो 2 + 2 = 8 भी हो जाते हैं और 8-10 भी। हमारी नैब एंटी करप्शन और दीगर मुतालिका इदारों से गुजारिश है कि जरा सुराग तो लगाइए, खबर तो लीजिए कि साहिब को वो कौन सा जादू मंत्र आता है जिससे इनके पूरे टब्बर के असासे बढ़ते ही चले जा रहे हैं और मनी ट्रेल कोई नहीं। सुराग लगाइए और पता कीजिए कि करोड़ों रुपए कहां से आ रहे हैं, वरना हम तो आइंदा दिनों में ये राज खोलेंगे ही।